नमस्कार, आप देख रहे हैं जर्नी टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अजितेश प्रमोद मिश्रा। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी एकता की कवायद में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सियासी ताकत देखने का वक्त अब नजदीक आ रहा है। मजे की बात तो ये है कि सबको इकट्ठा करने के काम में लगे नीतीश कुमार खुद दो बार बीजेपी की सपोर्ट से मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि विरोधी दलों के नेता मोदी विरोध के चक्कर में एकजुट हो गए हैं, और यही नहीं, सब मोदी से इतने परेशान हैं कि सारे मतभेद भुलाकर एक मंच पर आने को राजी हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या विपक्ष डिटर्जेंट पाउडर की तरह, धुलाई की तरह बीजेपी को राजनीति के मैदान से साफ कर देगा। तो सुने 23 जून को होने वाली विपक्ष की बैठक को लेकर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। बाबूजी, ने आप लोगों के समक्ष रखा है, कई बातें मीडिया में होकर के आ रही थी, लेकिन तिथि अब स्पष्ट हो गया है। 12 तारीख को एंगेज कुछ तो लीडर, उनकी अपनी प्रेयर एंगेजमेंट रही, इस वजह से आने में थोड़ी असुविधा थी, लेकिन सबका राय बना कि सब पार्टी के जो हेड हैं वो रहे, उसी तिथि को बैठक जो है बुलाई जाए। तो तय हो गया है, वेन्यू जो है वो पटना में है, पटना में एक बड़ी बैठक होने जा रही है और सभी नेताओं ने अपनी सहमति दे दी है। और जो महागठबंधन की सरकार बनी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव, और सभी लोगों की ये कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्ष, जो लाइक माइंडेड पार्टीज जो हैं, उन सब को जो है गोदबंद किया जाए, एक साथ बैठा जाए, रणनीति तय की जाए। तो हमको लगता है कि सभी लोगों का प्रयास इसमें लगा। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद, उनके साथ हम खुद कई जगह पर, कई नेताओं के साथ हमारी मुलाकात भी हुई, और हमको लगता है कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। तो जो देश के जो हालात हैं, लोकतंत्र पे जिस प्रकार से प्रहार किया जा रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, मुद्दे की बात नहीं हो रही है, एक तरफा तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है, तो इसको देखते हुए एक अहम बैठक पटना में होने जा रहा है तो एक बड़ी अच्छी खबर है। और हमको लगता है कि इस बैठक के होने के बाद जो है पॉजिटिव रिजल्ट जो है सामने आए। तो वहीं बीजेपी के विजय रथ के आगे खड़ी विपक्ष की इस दीवार को मजबूत करने के लिए बिहार से नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी और दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, झारखंड से हेमंत सोरेन, तमिलनाडु से एम के स्टालिन का नाम शामिल है। बताया तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे समेत कई दलों के दिग्गज भी अपनी उपस्थिति इसमें दर्ज करवा सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि 23 जून को विपक्ष जब बीजेपी को हराने के लिए इकट्ठा आएगा तो रणनीति क्या बनती है। लेकिन खबर बस इतनी नहीं है, इसके पीछे की कहानी आपको हम बताते हैं, क्योंकि इन कवायदों के बीच में नीतीश कुमार को एक झटका लगा है। कांग्रेस के एक ही झटके में नीतीश कुमार चित हो गए थे और उन्होंने फिलहाल अब मौन धारण कर लिया है। नीतीश के मौन धारण करते ही मुखर हुए हैं उनके साथ हमेशा डोलते रहने वाले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव और ललन सिंह ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बैठक टलने की जानकारी दी तो लालकृष्ण आडवाणी का रथ रोकने जैसा काम बीजेपी का फिर से करने का प्रण भी दोहराया है। बैठक को लेकर बीजेपी के पेट में उठने वाले मरोड़ की भी बात कही है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि विपक्षी एकता के लिए उत्साह में उछल कूद मचाने वाले नीतीश कुमार ने अचानक से मौन धारण कर लिया है और सामने तेजस्वी यादव को आना पड़ रहा है। बैठक टलने की जानकारी भी आधिकारिक रूप से तब दी गई जब पूरी दुनिया को इसकी खबर हो चुकी थी। बैठक की नई तारीख बताने के लिए उन्होंने तेजस्वी और अपनी पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को आगे क्यों कर दिया।
आरजेडी के भरोसेमंद सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार को जब ये खबर मिली कि 12 जून की बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आएंगे तो उन्हें जोर का झटका लगा। उनको तब भी ऐसा ही झटका लगा था जब महागठबंधन का नेता बनकर बिहार की सत्ता संभालते ही वो लालू यादव के साथ पिछले साल सोनिया गांधी से मिलने गए थे। हालांकि सोनिया से मुलाकात की ना कोई तस्वीर जारी हुई और ना ही बातचीत का कोई ब्यौरा नीतीश, लालू या सोनिया की ओर से दिया गया। इसके बाद से नीतीश कुमार ने करीब 7-8 महीने तक चुप्पी साध ली थी। कांग्रेस ने 12 जून की बैठक में राहुल या खड़गे के शामिल होने से इनकार कर दिया तो विपक्षी एकता के प्रयास में जुटे नीतीश के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा झटका था। उसके बाद से ही उन्होंने मौन धारण कर लिया। हालांकि नीतीश की फजीहत देखकर लालू यादव ने सोनिया गांधी से फोन पर बात की और दिखा दिया कि उनका कद नीतीश कुमार से ऊपर है। तब जाकर 23 जून की तारीख तय की गई जिसमें खड़गे और राहुल के शामिल होने का कांग्रेस ने आश्वासन दिया है और यही वजह है कि तेजस्वी ही अब नीतीश कुमार से ज्यादा विपक्षी एकता की बात करने में लगे हैं क्योंकि लालू यादव का कद नीतीश कुमार से बड़ा है। ये खुद आरजेडी ने आगे आकर दिखा दिया, अपने कामों से दिखा दिया और इसीलिए शायद नीतीश कुमार अब मौन धारण किए हुए हैं। आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी, आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जनित टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ देश और दुनिया की तमाम तथ्यों के साथ वाली खबरों को देखने के लिए, उन्हें समझने के लिए आप देखिए जनित टाइम्स।